फाइनल कॉल है, कर रहा हूँ। तौलिया रहेगी, हद्दे कर दिए भाई, हद्दे हद्दे पार। आपका क्या रहेगा भाई, आपका जा रहे लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 5:30 के अराउंड बज रहे हैं, और लड़के जो है हमारे निकल रहे हैं फ्लोरिडा की वेस्ट की तरफ। बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई है, बस 2-3 घंटे सोए, ऐसा लग रहा है कि बस अभी सोए थे और हम वापस निकलने के लिए तैयार हो गए। वी आर ऑन आवर वे टू फ्लोरिडा की वेस्ट। नहीं भाई, मामला चल रहा है बड़ा कट टू कट। हमें वहाँ पे पहुँचना है 9:30 के अराउंड। लड़के को गाड़ी चलाते चलाते हो गए अब 3.5 घंटे और अभी तक हम पहुँचे नहीं है, लेकिन बीच में एक ब्रेक लेना पड़ा है। एक ब्रेक लेना बनता है, बेसिकली एक पीपी ब्रेक। क्या भाई बंदा है सही में आ रहा है, शिट भाई चलो वापस वापस। बंदा भाई बंदा है, ये तो अच्छा नहीं हुआ भाई, थोड़ी देर रोकना पड़ेगा तेरे को। जल्दी भाई जल्दी, टाइम नहीं है। अटेम्प्ट नंबर 2। अरे भाई चलो जल्दी फड़ ले। और भाई सैंडविच का है, मेरी सैंडविच वरुमा यार, क्या हरकतें कर रहे थे, तो खा लेते लड़के। वो अभी पे करने आया, पे करने के आप सैंडविच गाने बदलो यार, बीटी दे रहा वरुमा। बहुत बढ़िया भाई यार, अब ये भी सुनना पड़ेगा। शानदार ट्रिप की तरफ बढ़ते हुए लड़के। लड़के हो गए भूखे बहुत ज्यादा, इस बोट पे अच्छी चीज है, यहाँ पे नाश्ता भी साथ में मिल रहा है। सो दैट्स व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ। यहाँ पे हमने जो अपने लंगर लगा लिया, लाइन से बैठे लड़के, थोड़ा सा ढूंढेंगे एंड देन वी विल बी डूइंग जेट स्की फर्स्ट मे बी। कुछ करना है, कुछ नहीं करना, हमारी हमारी इस बोट में खाने पीने का भी प्रोग्राम है, तो लंच टाइम हो चुका है और इवेंट सुबह से चल रही है। 2-3 इवेंट हमने कर लिए अभी तक, बनाना राइट स्नॉर्कलिंग करना भाई। हम सोच रहे हैं कि खाना खा के पानी के अंदर जाएं। या नो इट्स नॉट अ गुड आईडिया, वी गो अंडर वाटर, यू हैव टू टेक ऑफ एवरी सिंगल थिंग। भाई ने जो है बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया हमें यहाँ पे, कैसे स्नॉर्कलिंग में क्या क्या चीजें लगानी है, फिट करनी है अपने मुंह पे और पैरों पे, देन वी शुड बी गुड टू गो। उसके बाद अब जनता जाएगी हल्के हल्के पानी में, नीचे कूदना शुरू करेगी, वहां से एक दरवाजा खुल गया है नीचे जाने के लिए पानी में, स्पोर्ट में जहाँ पे हम पहले भी गए थे, लेकिन इस बार जाएंगे नीचे कोरल रीफ में। राइट, कोरल रीफ। या भाई कैसे फिट करना है ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, टाइट लग रहा है बहुत ज्यादा। So, what are the steps? सीन ऐसा है इसका कि ये जो आपको पूरी तरीके से सील कर देता है आपकी नाक को, और आपको सांस फिर इस पाइप के थ्रू ही लेनी है, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू टू सर्वाइव अंडर वाटर। पहली बात तो वो पहले वो सब ठीक है, लेकिन खूबसूरत लग रहा भाई, वाह ब्यूटीफुल, फोटो खिंचा ले, नाक लाओ। तो भाई ये भी हो गया कोरल रीफ की वेस्ट फ्लोरिडा, और हम कर रहे हैं यहाँ पे स्नॉर्कलिंग। लड़के जो है सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट थ्रू इट। भाई अब तक क्या क्या कुछ देखने को मिला किसी को? व्हाट डिड यू सी मिस्टर? हां काली मछली, पीली मछली। व्हाट डिड यू सी मिस्टर? बस आ रही थी कू, यू डिड गो, आई लेट्स गो। पानी के नीचे जाते हैं भाई, फट फट गए थे पानी में। बोट के नीचे का नजारा कुछ ऐसा, नीचे हर तरह के साफ को बोट दिखा दिया हमने, और ये हमारे फ्रेंड वास उतार ले जाए भाई चप्पल, टाइम फॉर हैप्पी आवर्स एंड गो बैक। और ये हमारी ट्रिप खत्म होने पे आ गई है, यहाँ पे जो है लड़कों ने सारे नहाने धोने के सारे काम कर लिए, स्नॉर्कलिंग भी हमने कर ली, और हम जा रहे हैं वापस अपने आइलैंड पे। आइलैंड ऑलमोस्ट आई थिंक ऑडियो अच्छा नहीं होगा, बट पीछे वो आइलैंड है जहाँ वापस आएंगे, और वो है की वेस्ट। की वेस्ट से वापस अपनी ट्रेन गाड़ी पकड़ेंगे और गाइस वॉक। नो वी आर नॉट, दिस इज ब्राह्मण गैंग्स, ब्राउन गैंग। किसी का तो बर्थडे है, पता नहीं किसका है, लेकिन कर रहे हैं सेलिब्रेट। That's what we do. We're yeah. very, very happy people. We celebrate. We're very happy people. We are a celebration. Yeah, we good people. Like Elvin said, I'm a celebration. I don't care who's buying. Continental.
90 miles to Cuba, southernmost point, continental USA. Oh wow. Key West, Florida, home of the sunset. Nice. तो जो हम इस जगह पे आए हैं अभी, वो भी मैं कंफर्म कर रहा था पीछे एडी से, जो है ये बेसिकली है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ यूएसए, जिसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट अगर आप मैप खोल के देखेंगे गूगल मैप से, कभी जूम इन करके देखना कि की वेस्ट फ्लोरिडा कहाँ पर है, एक बहुत ही एंड में जाके एक टनल टाइप, एक पूरी बहुत इट्स लाइक 150 माइल्स और लाइक कम से कम 150 माइल उससे ज्यादा है बेसिकली मायामी फ्लोरिडा से, और एकदम एंड में जाके एक आइलैंड टाइप है, उसको कनेक्ट किया गया है रोड्स के थ्रू, और वो रोड ज्यादातर जो है सी के ऊपर बनी हुई है। बट भाई साहब पानी भी आ रहे हैं। बट एनीवे पॉइंट इज दिस कि लड़कों ने बोला थोड़ा सा वहाँ पे घूम ही आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आई हैं जबकि वैसे दिन भर की सारी एक्टिविटीज होगी, तो हमने कहा ये भी निपटाई डालते हैं एंड टू एंड। आई एग्री, ये चीज इलीगल होनी चाहिए, फ्लेमिंगो और पिंक कलर की मस्टैंग इलीगल, दिस शुड बी बैंड, बट लुक्स ब्यूटीफुल, आई लाइक इट, नॉट बैड। लड़कों ने फोटो खिंचा लिए, सब कुछ हो गया, लाइन में क्यों खड़ा तू ये बता मुझे पहले। बिल्कुल उसके सामने खींच दूंगा फोटो, जितनी देर में वहाँ लड़का चेंज हो रहा है ना उतनी देर में तेरा फोटो खींच दूंगा, तो टाइम शांति से खड़ा रहेगा। हाँ नहीं है लड़का लगा लाइन में, लेकिन ऑलमोस्ट नंबर आ गया भाई का, सबसे आगे अब लाइन में फटाफट का फोटो खींचे निकले यार। ये लड़का नहीं चलाएगा, आजा भाई उधर ले, मैं नहीं बैठ रहा तू बैठ जा, पर्टिकुलर अबाउट दिस गाइस, पर्टिकुलर अबाउट हिज सीट, चल बेटा बीच में बैठेगा तू, मुंडू है तू मुंडू, बीच में बैठ जा, बीच में बैठना पड़ेगा यार, यार बच्चा साथ के बीच में बैठा दो बार बार, आई डोंट एग्री टू दैट। ओके ऑलराइट गाइस, काफी देर गेड़ियां मारने के बाद में, खाने पीने का प्रोग्राम खत्म करने के बाद में, इट इज द मोस्ट इनसेनली ब्यूटीफुल पॉइंट, अब तक का सबसे खूबसूरत जगह जो मैंने देखी वो है, इसको बोलते हैं सनसेट पियर, और हम यहाँ पे एकदम सनसेट के टाइम पर ही हैं। इफ यू गाइस लुक बिहाइंड मी, लुक एट दिस, बूम, यू सी दैट, दैट इज इनसेनली ब्यूटीफुल। मैंने काफी सारे फोटो डाले इंस्टाग्राम पे, इतने इनसेन पिक्चर्स है, मेरा दिमाग खराब हो गया, देख लेना एक बार। भाई क्या सीन है ये, दिमाग खराब हो गया भाई इसको देख के, है ना, पंद्रह मिनट सनसेट है भाई, है ना, और इसका नाम ही सनसेट पियर है, मेक इट इवन मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या बढ़िया टाइम रहेगा, अरे टाइम छोड़ सनसेट दिख रहा है, तू वहाँ उठा, अरे ऐसा बोट जा रही सामने से, इतना बढ़िया फोटो आ रहा है वहाँ पे, 6 बजे उठा और हाँ हाँ, ये बेस्ट रूम है, बेस्ट रूम है ये वाला रूम, बेस्ट है, आई एग्री विद दैट वन, बेस्ट रूम एवर। और नीचे ये नहीं बोलना चाहिए था लेकिन ठीक है। बोट बोट कौन सी, प्राइवेट बोट भाई, यॉट, होली मैक्रोस भाई, ये बहुत महंगा होगा, दिस यॉट इज सुपर डुपर एक्सपेंसिव, दिस इज लाइक इन मिलियंस एंड मिलियंस, मोर देन $10 million। ये तो मजाक है लेकिन भाई, ये तो चलती फिरती झोपड़ी है भाई, इसका ना वो ना टाइम लैप्स, टाइम लैप्स किसका, क्या मजा आता गोप्रो से झोपड़ी का, गो हाँ हाँ वो बना सकते थे, आई लाइक दिस झोपड़ी। एंड दीज आर द लास्ट फ्यू मोमेंट्स, लड़कों का दिल टूटता हुआ और सन हमारे नीचे जाता हुआ। चलो भाई गई भैंस, बहुत ही सुंदर वीडियो बना दी है सनसेट की, शायद सनसेट को देखने के लिए हम न्यूयॉर्क से गई भैंस पानी में भाई, चलो लेट्स गो, आर वी गुड, या लेट्स गो भाई, हमारी जनता चल रही है वापस मायामी की तरफ से, हम मायामी की तरफ, क्योंकि हमें अभी की वेस्ट में यहाँ से 150-200 माइल हमें भी गाड़ी चलानी है, मतलब 3.5 घंटे चलानी है एक्जैक्टली वाइज पता नहीं, बट 150 के राउंड होंगे, अब जो है लड़के जाएंगे गाड़ी उठाएंगे और उसके बाद में बैक ड्राइव करेंगे पूरा करीब 3.5-4 घंटे। तो बट एनीवे व्लॉग को हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि कल सुबह हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सनराइज पॉइंट। Tomorrow sunrise. We are targeting that. Yes. Let's see how it goes, bro. Yeah. I don't trust these people, but we still gotta try it. Yeah, but उसके लिए अलार्म लगाना पड़ेगा बेटा, अलार्म लगा देना आज। आज की तरह नहीं होना चाहिए, आज लड़के उठ ही नहीं रहे थे सुबह। एक लड़का उठ गया, दूसरा नहीं उठ रहा, तीसरा नहीं उठ रहा। सबसे लेट आदमी होता है ये। कल नहीं होगा ऐसा, कल सुबह सनराइज पकड़ना है हमें, कल सन को पकड़ना है भाई। तो कल सुबह का जो ब्लॉग होगा, मुलाकात होगी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट डन येट, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, सपोर्ट ऑल द देसी बॉय, नितीश दवास पहलवान, आई एम गाड़ी, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, ओवर एंड आउट आउट। Oh, this you crazy mother.